सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, काफी वेट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक जिसका टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी, वेडनेसडे को लॉन्च हो गई है। फिल्म में मोदी जी के बचपन से लेके प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर दिखाया गया है। ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी। इस फिल्म में नरेंद्र मोदी जी का कैरेक्टर विवेक ओबेरॉय ने किया है। एक इवेंट में विवेक ओबेरॉय मोदी जी के कैरेक्टर में अपीयर हुए थे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ऑडियंस के साथ कि क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए इस फिल्म को बनाने के लिए। इस मूवी को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर उमंग कुमार ने, जिन्होंने पहले और भी बायोपिक बनाई है जैसे कि मैरी कॉम और सरजीत। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है एस सिंह, आनंद पंडित और सुरेश ओबेरॉय ने। दोस्तों, मैंने ट्रेलर बहुत अच्छी तरह देखा तो मैं आपको अपना रिव्यू यही देना चाहूंगा कि मूवी में मेहनत हुई है वो दिख रही है अच्छी तरह, पर लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी जी वाली फील नहीं आ पा रही। शायद इसकी वजह यही है कि विवेक ओबेरॉय मोदी जी के कैरेक्टर में जच नहीं रहे हैं। वैसे वो काफी अच्छे एक्टर है, पर इस फिल्म को लेके बात की जाए तो मुझे विवेक ओबेरॉय में से कोई भी नरेंद्र मोदी जी वाली वाइब्स नहीं आ पा रही। मैंने सुना था कि परेश रावल जी को पहले मोदी जी का कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया था, पर लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। और बाकी दोस्तों, हो सकता है कि मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग हो, पर फिर भी मैं यही बोलूंगा कि एक मूवी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस मूवी की पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, आप मुझे अपना रिव्यू बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सारे कमेंट्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। थैंक यू सो मच।